की डाली पर कामदेव बैठा है। तब तक भगवान तब तक गोपिकाएं जत्था की जत्था, झुंड की झुंड, टोली की टोली गोपिकाएं आ रही हैं, रास मंडल में पधार रही हैं। भगवान हाथ जोड़ करके रास मंडल में खड़े हैं और उन गोपिकाओं का स्वागत कर रहे हैं। देखिए कैसे स्वागत कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्या नामयम कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्या नामयम कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। कन्हैया ने उन ब्रज गोपिकाओं से कहा, हे गोपी, हम आप सबका स्वागत करते हैं, आप हमारे रास मंडल में पधारी हो सो सबका स्वागत है। अब क्या कहा प्रभु ने स्वागत करने के बाद, रजन्ने साम घोर रूपां घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम ने हो इस्ते हम स्त्री भीष्म मध्यमा। अर्धरात्रि को जंगल में स्त्री को अकेले निकलना वर्जित होता है, अकेले जाना वर्जित होता है, तो आप लोगों ने ये ठीक नहीं किया कि बिना बताए घर में और अकेले ऐसी अर्धरात्रि में आई हो। फिर क्या कहा, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, महाराज की कथा है। मातरा पितरा पुत्रा भ्रातया पतयस्य वा विचिन्वन्ति हि पश्यन्तो मा कण्वं बन्धुसाध्वसम्। मातरः पितरः पुत्रा, देखो आप लोग अपने अपने घर में बिना बताए आई हो तो आपके माता पिता भाई बंधु क्या सोच रहे होंगे, कितनी चिंता कर रहे होंगे, कितना रो रहे होंगे। अच्छा ठीक है, अब आप लोग आ गई हो तो दृष्टम बनम कुस्मितो राकेश कर रंजितम यमुना निललीलैज तरु पल्लव शोभितम। अब आप आ ही गई हो तो सुंदर कुंद कुमुंद कल्हार के पुष्प यमुना में खिले हुए हैं, ये सब दर्शन कर लो और दर्शन करके यमुना का सुंदर कल 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 यमुना का जल बह रहा है, ये सब दर्शन करके अपने अपने घर चली जाओ। क्यों? क्योंकि स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। कन्हैया ने कहा, हे गोपिकाओं, पति चाहे जैसा हो दुशीलो दुशीलवान हो दुर्भगो दुर्भाग्यशाली हो वृद्ध हो वृद्ध क्यों ना हो जड़ो मूर्ख क्यों ना हो रोग्य अधनो पिवा रोग से ग्रसित क्यों ना हो पति स्त्री नहातव्यो लोके सुर विपात की। अंधा बहरा क्यों ना हो ऐसे भी पति का त्याग स्त्री को नहीं करना चाहिए।